हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देख रहे हैं कक्षा 9 में प्रवेश परीक्षा के लिए। तो सबसे पहले हम ये जान जाएं कि प्रश्न कैसे बनते हैं। तो विज्ञान होता है 15 अंक का, गणित होता है 15 अंक का, 30 अंक हो गए, और 10 अंक अंग्रेजी और 10 अंक सामान्य ज्ञान हिंदी के हो गए। तो कुल मिलाकर 50 अंकों का प्रश्न होता है। 50 अंक में 15 अंक आज हम लोग देखेंगे विज्ञान का। तो विज्ञान में देखा जाए तो ये पूछा जाता है, संभावित प्रश्न है, प्रकृति में कार्बन पाया जाता है। तो प्रकृति में कार्बन संयुक्त और मुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये आंसर हो जाएगा, कार्बन का संकेत सी होता है। देखा जाए तो पेंसिल में जो ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन के ही अपर रूप हैं। दूसरा सवाल ये देखा जाए, कुकिंग गैस एलपीजी जो होता है उसमें किसकी मात्रा अधिक होती है? तो ब्यूटेन की मात्रा अधिक होती है। रॉकेट ईंधन के दो उदाहरण बताइए। तो रॉकेट ईंधन मेथिल हाइड्राजिन और द्रवित हाइड्रोजन, ये आंसर हो जाते हैं। चौथा जो प्रश्न संभावित है, Mg प्लस H2O जब क्रिया करता है तो क्या बनता है? तो Mg प्लस H2O तो ये बनेगा MgO, और हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। इसी प्रकार CuSO4 जब Fe से क्रिया करता है तो ये बनता है FeSO4 प्लस Cu, ये मुक्त होता है। इस प्रकार दाब का मात्रक पूछा जाता है। तो दाब बराबर P बराबर होता है F/A। F का मतलब बल है और A क्षेत्रफल है। तो ये हम लिख सकते हैं न्यूटन बल का मात्रक है और क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। जल पंप में कितने वाल्व होते हैं? जल पंप जो पानी चलाया जाता है, जल पंप वाटर पंप है। तो वाटर पंप में कितने वाल्व होते हैं? तो वाल्व का मतलब यहाँ ये है कि दो वाल्व होते हैं, एक नीचे होता है जो पानी को उठाता है और दूसरा ऊपर से जब बल लगाते हैं तो वो पानी को बाहर फेंकता है। तो इस प्रकार जल पंप में दो वाल्व होते हैं। अगला प्रश्न यदि देखा जाए कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। और जब बारिश होता है तो बारिश समाप्त होने के बाद दिन में सूर्य के विपरीत दिशा में ये इंद्रधनुष दिखाई देता है। चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं? तो चुंबक की विशेषता होती है कि लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, इस गुण को ही हम चुंबक कहते हैं। अब ध्रुव पूछ रहा है कितने होते हैं, तो 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। बल तथा त्वरण में संबंध क्या होता है? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल किसे कहते हैं? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु को अवस्था परिवर्तित कर देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है। द्रव्यमान किसे कहते हैं? वस्तु में जितनी मात्रा निहित होती है
वह वस्तु का द्रव्यमान होता है, इसे किलोग्राम में मापते हैं। त्वरण वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक होता है, तो उसको मंदन कहा जाता है। ऊर्जा का मात्रक जूल होता है। अब ऊर्जा किसे कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब ऊर्जा के प्रकार देखा जाए तो गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को यदि हम देखें तो किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, और स्थितिज ऊर्जा वस्तु में स्थिति के कारण जो ऊर्जा संचित होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा का यदि सूत्र पूछा जाए तो लिख सकते हैं के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। यदि स्थितिज ऊर्जा का पूछा जाए तो यू बराबर एम जी एच। हेलो स्टूडेंट, ये देखा जाए पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, तो आंसर हो जाता है सूर्य। भारत में पाए जाने वाले धात्विक खनिज का नाम है हेमटाइट और बॉक्साइट। चुंबकीय प्रभाव आर पार नहीं निकल पाता है, तो चुंबकीय प्रभाव होगा जो लोहे का चादर होगा वो लोहे के चादर से आर पार नहीं निकल पाएगा। मलेरिया रोग किस परजीवी का वाहक है? तो जो मलेरिया होता है वो मच्छर से फैलता है, तो वाहक का मतलब फैलाने वाला, तो ये हो जाएगा मलेरिया रोग का जो परजीवी है वो मच्छर होता है, और अचार में नमक क्यों मिलाया जाता है? तो अचार में जो देखते हैं, अचार का मतलब नमक मिलाने से संरक्षण में सहायता होता है, संरक्षण में मदद करता है वो। इस प्रकार ये 15 प्रश्न संभावित हैं। अब कल हम लोग देखेंगे गणित के 15 प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा सकते हैं।